तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में दोस्तों। और हम अब निकल चुके हैं इन खूबसूरत वादियों के सफ़र में हमारे नेक्स्ट पड़ाव डलहौज़ी की ओर। तो दोस्तों इन खूबसूरत वादियों का सफ़र हमारा यूं ही चलता रहा और ये खुले आसमान में छाए बादलों को देखिए आप कितने पास लग रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनका एहसास तो आप वहाँ जब जाएंगे तभी आपको खुद को होगा। और दोस्तों हम और आप मिलकर इस सफ़र को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों अगर आप भी माउंटेन पे जाने का अगर आपका बिल्कुल मन बन रहा है तो दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि उनको तो इन रास्तों की बिल्कुल समझ है, बट अगर आप खुद का व्हीकल लेके जाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है जो आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे कि सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ती है कि दोस्तों माउंटेन पे कभी भी मोड़ में ओवरटेक ना करें, क्योंकि 100 में से 90% चांस रहते हैं कि सामने से व्हीकल आ ही जाएगा। तो मोड़ में आप जितना अवॉइड करेंगे ओवरटेक करने का उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सामने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा दोस्तों। जैसे कि मोड़ में क्या है, 90% मैंने देखा था कि सामने से व्हीकल आ जाता है और जैसे कि आप देख रहे हैं आ ही चुका था। तो दोस्तों ये बात आपको मैं बताना चाह रहा था अगर आप सेल्फ व्हीकल ड्राइव करते हैं दोस्तों तो। और ये देख सकते हैं लैंडस्लाइड के निशान आप दोस्तों। हॉर्न का यहाँ पे हम कम जितना इस्तेमाल करें वो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हॉर्न के कंपन से लैंडस्लाइड आने का भी डर बना रहता है दोस्तों। तो कहीं कहीं जगहों पे जहाँ लैंडस्लाइड एरिया रहता है वहाँ पे हॉर्न का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। और ये पानी जैसे देख रहे हैं दोस्तों आप, जहाँ वहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ के लोकल लोग ये पानी पीते हैं दोस्तों, मिनरल वाटर कम पीते हैं क्योंकि इनको नेचुरल मिनरल वाटर मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत जगह है दोस्तों ये, आप जब भी अगर आपका आने का मन हो तो आप बिल्कुल विज़िट करें दोस्तों समय निकाल के। और दोस्तों ये जैसे आप देख रहे हैं लोकल टैक्सी वालों की होड़ में अपनी गाड़ी को बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि वो यहाँ के मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों अब हम आपको मिलाते हैं माउंटेन में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में यूज़ इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल, जो कि हम उसे कह सकते हैं माउंटेन का चीता। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट में जहाँ बड़े व्हीकल नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे ये चीता ही काम आता है, महिंद्रा का ये बोलेरो पिकअप ट्रक। दोस्तों ये अधिकतर ऐसे इलाकों में भी सामान पहुँचा देता है जहाँ पर बड़े व्हीकल का जाना नामुमकिन होता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके भाई को सपोर्ट कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि कुछ अच्छे आने वाले व्लॉग आप मिस ना कर पाए दोस्तों।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन और यहाँ पे हमारा होटल बुक था। ये है बनीखेत और सामने माउंटेन पे दिख रहा है आपको डलहौजी। तो दोस्तों सामने देखिए अब कार किस टाइप से पार्क की हुई है। यहाँ पे ऐसी अधिकतर पार्किंग आपको देखने को मिलेगी और सामने जो आप देख पा रहे हैं माउंटेन जो बर्फ से ढके हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।